हेलो स्टूडेंट्स हम फिफ्थ क्लास के इंग्लिश का सेकेंड लेसन फ्लाइंग टुगेदर कर रहे थे यहाँ तक हमने कर लिया था थर्ड क्वेश्चन इन द ग्रुप ऑफ फाइव डिस्कस अब नेक्स्ट करते हैं लेट्स राइट द वर्ड इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी नेम देम इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड ये बताना है किसने कहा गया कहा था इसमें मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिव इन द क्लाउड्स ये पहले ये बताना किसने ये कहा था या किसके बारे में ये बताया गया था और एक इसे सेंटेंस बनाना है तो वाइज वाइज किसके बारे में कहा गया था कौन था वाइज हमारे लेसन में वाइज ओल्ड बर्ड और इससे हम सेंटेंस बनाएंगे देखो फर्स्ट वाइज वाइज कौन था इसमें द ओल्ड बर्ड द ओल्ड बर्ड था ना वाइज यानि कि वाइज कहा गया है ओल्ड बर्ड के बारे में और इस वाइज को लेकर हमें एक सेंटेंस बनाना है तो ये हमने बना दिया माई ग्रांड फादर इज अ वाइज मैन केयरलेस सेकेंड है हमारा केयरलेस तो केयरलेस कौन थे केयरलेस गीज थे ना क्योंकि तो गीज ने जब ओल्ड वाइज बर्ड ने कहा था कि स्क्रीपर्स को डिस्ट्रॉय कर दो तो उन्होंने नहीं माना था तो केयरलेस कौन थे द गीज और एक सेंटेंस बनाना है इसे द केयरलेस गर्ल लोस्ट हर वॉच नेक्स्ट है थिक एंड स्ट्रॉन्ग थिक एंड स्ट्रोंग इसमें क्या था हमारा इसमें क्रीपर थे थिक एंड स्ट्रोंग क्या थी क्रीपर जिसकी सहायता से जो हंटर है वो थ्री के ऊपर चढ़ गया था मतलब पेड़ के ऊपर दे टाइड टाइट बोट विद अ And strong रोप ये सेंटेंस हमने बना दिया Foolish. फुलिस क्या था इसमें फुलिस वो गीजी थे जो कहना नहीं मान रहे थे the, uh, sentence बनाना इसे. मंकी स्टोरी टोल टोल क्या था इसमें द ट्री और इसका सेंटेंस में यूज करना है द कुतुब मीनार इज वेरी टोल इस तरह से हमने ये सारे कर लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर आर सम आंसर अबाउट द गिवन पिक्चर यह हमें पिक्चर दे रखी है इसके कुछ आंसर हैं जिससे हमें क्वेश्चन बनानी है द फर्स्ट आंसर है द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक इसका कलर कैसा है ब्लैक इट लिव्स ऑन लैंड इट हैज टू लॉन्ग एंटीने इट क्रेवल ऑन द ग्राउंड इट इट्स शुगर नाउ फ्रेम क्वेश्चन फॉर द अबो आंसर तो फर्स्ट था द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक तो इसका क्वेश्चन क्या माना जाएगा वट इज द कलर ऑफ द आंट की उस आंट का कलर क्या है इट लिवस ऑन लैंड कहाती है लैंड के ऊपर तो कहा का आंसर आ जाएगा वेयर वेयर डज इट लिव इट है डज इट है ये जो ऊपरी दिखाई दे रहा हमें नेक्स्ट है इट क्रेवल्स ऑन द ग्राउंड इसका क्वेश्चन क्या बनेगा हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड ये ग्राउंड पे कैसे मूव करती है तो एक क्रेवल करती है क्रेवलिंग इट इट शुगर क्या खाती है ये वट डज इट ईट क्या खाती है ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन बिलो द क्वेश्चन वर्ड फॉर एग्जाम्पल Where do डू यू लिव अब हमें बताना है इसमें कौन सा डब्ल्यू एच यानी कि क्वेश्चन कौन सा हम यूज करेंगे तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो विथ क्वेश्चन वर्ड फॉर एग्जाम्पल वेहर डू यू लिव तो इसमें हमें बताना है डब्लू एच जो भी क्वेश्चन वाले वो हैं वर्ड है कौन सा आएगा इसके अंदर तो वेहर डू यू प्ले आप कहाँ खेलते हो कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वेयर वेन डू यू गेट अप आप कितने बजे उठते हो कब उठते हो मतलब कब के लिए वेन वट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो तो क्या के लिए वट हाउ डू यू गो टू द स्कूल आप स्कूल कैसे जाते हो कैसे के लिए हाउ नेक्स्ट है डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल गेम्स आर्ट और म्यूजिक आपको इनमें से क्या पसंद है गेम्स में से आर्ट और म्यूजिक इसमें से क्या पसंद है तो क्या के लिए वट वेन इज योअर बर्थडे आपका बर्थडे कब है कब के लिए वेन नेक्स्ट है वट डू यू फॉर योर बर्थडे आपको अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए तो क्या के लिए वट अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये दो बना के दे रखे क्लाउड के अंदर हमें लिख के दे रखा है हु किसने ये कहा टू हू वाज इट सेड किसको कहा गया वैन वाज सेड कब कहा गया ड्रा पिक्चर ऑफ द स्पीकर ऑफ द अबोलाइंस ये है फर्स्ट कहा गया है ल देर इज़ नो हरी द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल इट वुड बी पीडी टू डिस्ट्रॉयट नाउ ये कहा था कि अभी कोई जल्दी नहीं है ये क्रीपर बहुत छोटी है अभी इसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ही दया का दयनीय है किसने कहा था ये ये कहा था गीस ने और जो ओल्ड बर्ड थी उसको कहा था हुट दिस द गीज गीज ने कहा था कि अभी कोई जल्दी नहीं है इन्हें बाद में देखेंगे टू होम वाज इट सैड किस को कहा टू द ओल्ड बर्ड ओल्ड बर्ड ने जब कहा था कि हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं वैन वाज इट सैड वेन द ओल्ड बर्ड टोल्ड दैम दैट ए हंटर कुड क्लाइंब अप एंड किल दैम जब ओल्ड बर्ड ने कहा था कि एक हंटर इसकी सहायता से ऊपर चढ़ सकता है और उन सबको किल यानी कि मार देगा तब उसने गीज ने कहा था नेक्स्ट है सो सो देर इज देर इज वेहर द वाइल्ड गीज लिव यह वो जगह है जहां वो गीज रहते हैं किसने कहा था ये हु सेड दिस द हंटर किससे कहा था उसने अपने आप को कहा था हिमसेल्फ और कब कहा था वेन द हंटर कम टू द ट्री जब वो हंटर पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था तब उसने ये कहा था कि सो देर इज वेयर द वाइल्ड गीज